जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो है एग्जामिनेशन, यानी कि आप सभी का जो है डीएलएड का जो कोर्स 31 मार्च से पहले पहले आप सभी का कंप्लीट करना अनिवार्य है, यह जो गवर्नमेंट ने पहले ही आपको बता दिए हैं। तो आज के इस टॉपिक्स में हम आपको बात करने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब होंगे, इस सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होंगे, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होंगे, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होंगे, और इसके साथ ही साथ फाइनल जब रिजल्ट आएंगे तो कब तक होने होंगे। इसके साथ साथ यह भी हम आपको बताएंगे कि जब सेकेंड ईयर में अगर आप इंटर करते हैं तो वहाँ पर किस किस प्रकार से कौन से फाइल बनाने हैं और उसका पीडीएफ आपको कितने जल्दी चाहिए। इसके साथ साथ यह भी हम आपको बताएंगे कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, फारसी, कौन सा लैंग्वेज में चाहिए, ये सब सारे का सारे बात हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इतने वीडियो को जो है थोड़ा सा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं, वेलकम टू आवर डिसेस क्लास। हमारे डिसेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह हम जो बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में डीएलएड कहते हैं, उन सारे कैंडिडेट, उन सारे टीचर्स के लिए जो एनआईसी कर रहे होंगे उनके लिए आज बहुत ही एक खास इन्फॉर्मेशन लाए हैं। तो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहले शेयर कर लें, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ताकि दूसरों के पास इसका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वो भी इसके बारे में जान पाए। तो देखते हैं यहाँ पर जो आज का टॉपिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट को लेकर, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर, और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेकर, और फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर, और इसके साथ ही साथ लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब तक होंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ यह भी हम आपको देने वाले कि सेकेंड ईयर्स में ऑल पीडीएफ फाइल हिंदी या इंग्लिश, कौन कौन सी फाइल आपको बनाने हैं, पूरा का पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसमें कितने प्रकार के फाइल्स हैं, किस प्रकार सबको जमा करने हैं, कितने मार्क्स होंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स, पूरा का पूरा आंकड़ा हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रिजल्ट को लेकर, तो आप सभी का 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा एक दो दिन जो इधर उधर का डेट हो सकते हैं, जो कि एनआईएस के चेयरमैन ने खुद ब खुद इस बात को पूरा का पूरा क्लियर करके बताएं, और जो बताए थे वो वीडियो जो है आप लोगों ने भी देखे थे। तो 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में कभी भी हो सकते हैं। अगर बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन को लेकर, तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है आप सभी का सितंबर मंथ में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपको दिसंबर महीना में ख़त्म हो जाएंगे, और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपका मार्च मंथ में 2019 में कम्प्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर से दिसंबर के महीना के बीच में ओनली फॉर 3 मंथ का ही डिफरेंट है। उसके बाद दिसंबर से लेकर मार्च महीना तक भी 3 महीना का ही डिफरेंट है। अब इसको 3-3 महीना के डिफरेंट पर एग्जामिनेशन लिए जा रहे, तो इसको सेमेस्टर क्यों नाम दिए गए? इसको तो सेमेस्टर नहीं करने चाहिए ना, क्योंकि 3-3 महीना में ही एग्जामिनेशन दिए जा रहे, इसको तो दूसरे नाम से बुलाना चाहिए। तो आपको यह बता दें कि एनआईएस के चेयरमैन ने खुद पे खुद आके इस बात को डिटेल्स में दिए कि आप सभी के अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार के नियम के अनुसार आप सभी को 31 मार्च 2019 तक किसी भी हालत में ट्रेंड हो जाने, यानी कि 31 मार्च तक आप सभी का किसी भी हालत में एग्जामिनेशन हो जाने चाहिए, और रिजल्ट अगर बाद में भी आएंगे तो चलेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन जो है 31 मार्च तक कम्प्लीट हो जाने। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे कि कितने तारीख को, किस तारीख को आपका रिजल्ट आएंगे, और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब हेल्ड होंगे, थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब हेल्ड होंगे, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कब हेल्ड होंगे। इसके साथ साथ लास्ट फाइनल जो डिजिट है वो 60 to 90 डेज के भीतर भीतर आ जाएंगे। इसका जो फाइनल जो फोर्थ सेमेस्टर का जब आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो जितना भी तारीख को मान लेते हैं 31 मार्च 2019 को लास्ट आपका परीक्षा होते हैं, तो 31 मार्च से 60 से 90 दिन के भीतर आपका एग्जामिनेशन आ जाएंगे। अब यहाँ पर 3-3 महीना का आपको पास जो है गैपिंग है, तो इसी के बीच में आप सभी का WBA का क्लास, PT का क्लास, सारा का सारा क्लास आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सभी को और एक बात हम आपसे बता देना चाहते हैं इसमें, कि एक बात ध्यान रखिए कि आपका जो गैपिंग है बहुत ही कम है, 3 महीना का ही गैपिंग है, और आप सभी को तैयारी जमकर करने हैं,
अगर आप तैयारी अच्छे नहीं करते तो आपका रिजल्ट में भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि रिजल्ट जो है पास होना ही इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। पास होना है तो सिर्फ आप प्राइवेट स्कूल में ही आप पढ़ा सकते हैं। अगर सरकारी स्कूल में आपको चलने हैं, सरकारी स्कूल का जॉब में चाहिए, अगर गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, तो आपको पास करने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी आपको लाने जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स का वैकेंसी आने वाले हैं आने वाले दिन में, जो कि उसका मेरिट बेसिस पर ही सिलेक्शन होंगे, यानी कि कौन किसका ज़्यादा मार्क्स आए उसी मार्क्स को देख कर उनका जो सिलेक्शन होने वाले हैं। तो आगे का जो टॉपिक्स हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि जो आपका सेकेंड ईयर में जो फाइल है वो PDF है, वो कौन कौन से फाइल आपको बनाने, क्योंकि आप सभी को बता दें कि आप सभी का 3-3 महीना का गैप है, इसीलिए अभी से ही आपको इन सारे फाइल को बनाना स्टार्ट कर देने चाहिए, नहीं तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे और आपको बोलने लगेंगे स्टडी सेंटर कि हमें फाइल दीजिए, फाइल दीजिए, फाइल दीजिए, तब आप क्या करते हैं यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हम आपका हर एक आंसर को आपको वन बाय वन करके आपको भेज देंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सब सारा जो क्वेश्चन का आंसर हिंदी भाषा में चाहिए कि इंग्लिश भाषा में चाहिए, ये कमेंट लिखिएगा। जिस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उसी भाषा में आपको प्रोवाइड करेंगे सारा का सारा फाइल्स। अगर इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू है, फारसी है, गुजराती है, बंगाली है, जो भी लैंग्वेज में चाहिए आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि अगर सेकेंड ईयर में जो फाइल बनाने, कौन कौन सी फाइल बनाने हैं, किस किस सब्जेक्ट के फाइल बनाने और उन सारे सब्जेक्ट में हमें कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो चलिए उस PDF को और चलते हैं जो कि NIS ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाए कि कौन कौन सी फाइल बनाने हैं। फिर इसके बाद जो है और डिटेल्स हम इसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप बेस्ड एक्टिविटीज़ में आपको दो फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए बनाने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ईयर में आपको जो है 100 मार्क्स और सेकेंड ईयर में भी 100 मार्क्स होते हैं। तो इसमें जो है एक फाइल 2, 3, 4, 5, 6 फाइल, इसमें टोटल जो आपको 6 फाइल आपको बनाने हैं। तो पहला जो है कंसेप्ट मैपिंग इन एनी टू सब्जेक्ट, दोनों में से दो सब्जेक्ट के लिए आपको कंसेप्ट मैपिंग तैयार करने हैं। उसके बाद एक्टिंग ऑफ आर्ट के बारे में, उसके बाद एनालिसिस ऑफ टाइम टेबल के बारे में, उसके बाद स्कूल कम्युनिटी कम्युनिटी के बारे में, उसके बाद सेमिनार प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताने, उसके बाद अंत में इस प्रोसेस इवेल्युएशन के बारे में बताने। तो यहाँ पर जो छो का छो फाइल अगर आप बनाया हो बना बनाए हो अगर आप PDF चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको कितना जल्दी PDF चाहिए, क्योंकि आपके पास 3-3 महीना में गैपिंग होने वाले, इसीलिए अगर आप अभी से तैयारी नहीं करते तो आपका अच्छा फाइल नहीं बन पाएगा, जिसके कारण आपका अच्छा सेकेंड ईयर में मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए अभी से ही तैयारी करना आप स्टार्ट कर दें ताकि आपका बेटर से बेटर जो है फाइल बन सके और आप जो है सेकेंड ईयर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो यह जो है वर्ड्स ऑफ बेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए इतने फाइल्स आपको रेडी करने। इसके अलावा भी और भी फाइल्स हैं, यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं। PT के लिए भी आपको फाइल्स आपको रेडी करने। PT क्या होते हैं आइए इसके विषय में हम यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। PT के लिए भी आप सभी को फाइल बनाने, यहाँ पर देख पा रहे हैं PT 514 के लिए प्रैक्टिक टीचिंग के लिए भी फाइल बनाने। तो इसके भी फाइल का अगर आपको चाहिए बनाए बनाए हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आपको प्रैक्टिक टीचिंग के लिए जो है चाहिए या नहीं चाहिए 514 के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फाइल्स आपको रेडी करने हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है डिटेल्स इस फाइल में दिए गए। तो आइए उस फाइल की ओर यहाँ पर चलते, देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा फाइल्स, पहले लेसन प्लान के बारे में, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर मैटर के बारे में, उसके टीचर गाइडलाइंस के बारे में, मतलब यहाँ भी एक फाइल, दो फाइल, 3, 4, 5 और 6 फाइल, 6 फाइल आपको तैयार करने, जिसमें से आपको टोटल जो 200 मार्क्स आपको इसमें प्राप्त होने वाले हैं, यानी उधर 100 मार्क्स और इधर 200 मार्क्स, यानी टोटल 300। 300 में अगर 295 मार्क्स लाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए पूरा का पूरा कम्प्लीट भाषा कम्प्लीट जो है इसका पूरा का पूरा फाइल बना के लाएंगे। जिस भाषा का ज़्यादा आएंगे उसी भाषा का सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। अगर आप हिंदी भाषा के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का कमेंट आते हैं तो हिंदी भाषा का सबसे पहले फाइल को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इंग्लिश भाषा के लिए सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो आपको इंग्लिश भाषा के लिए हम आपको पहले देंगे। आपको जो जिस भी भाषा में चाहिए आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि 300 में से 295 मार्क्स चाहिए तो हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो देव भी फाइल दिया जाएंगे 295 मार्क्स कम से कम आएंगे ही आएंगे,
300 में। तो यह जो थी पूरा का पूरा फाइल्स थे। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट लिखिए। आप सभी देख लिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम और फाइनल रिजल्ट कब होंगे और इसके साथ साथ क्या क्या सेकेंड ईयर में फाइल को आपको बनाने, पूरा का पूरा डिटेल्स हम आपको इसमें बता दिए। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी मन में डाउट है, समस्या है, तो हमें नीचे कमेंट लिखिए, हम आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और आप हमें ये बात जरूर लिखिए कि आपको किस भाषा में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, किस भाषा में ये सब बनाए बनाया हुआ फाइल चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए और वो जो हमारे यानी इस वीडियो के नीचे में आकर कमेंट करें। और कमेंट अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे हिंदी के लिए, उर्दू के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी फाइल आपको बनाएंगे। कितना जल्दी यह फाइल चाहिए कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ।